डॉक्टर अरविंद शर्मा कोसले के गांव जाडरा पहुंचे, जहां इस दौरान अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और इसके साथ उन्होंने अपने काम गिनवाते हुए हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन का जिक्र किया और कहा कि बंसीलाल सरकार में ब्रांड गेज का बहाना लगाते हुए इस ट्रेन को ले गए थे और उसको वापस लाने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने किया। ये जो इलाका है, कोसले का जो इलाका है, ये बहादुरों का, शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है। इस इलाके में हर गांव में आप देखेंगे फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में और मिलिट्री फोर्सेस में, हर गांव में, हर घर से लगभग एवरेज हर घर से बच्चे उसमें हैं। ये लोग बहुत समझदार, देश के लिए देशभक्तों का इलाका है ये, और इस इलाके में जोश है। इनको सब पता है कि किस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं, धारा 370, 35 से, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और राम मंदिर के साथ साथ महिला आरक्षण और भी बहुत सारे काम जो है संकल्प पत्र के जरिए से, आपने भी देखा होगा संकल्प पत्र के जरिए से और भी बहुत सारे काम आने वाले समय में होंगे।